सतलुज दरिया का पानी का पद्धर लगातार वाधा जा रहा। अगर अज मौजूदा हालातों की गल करिए अज फिरोजपुर के पिंड पानी जोड़ा सतलुज का वह वड़ चुकया। तो निहाला लवेरा विखे तस्वीर बिल्कुल सामने तुम देख सकते हो कि हालात जोड़े है वह पिंड बने हुए आ। तो सतलुज का पानी जोड़ा वह लोगों के घर वड़ चुकया। कि पानी जोड़ा इस टाइम चढ़ा है? पानी बहुत ज्यादा चढ़ा है, सवेर का बहुत ज्यादा पानी चढ़ चुका है। मान लो जो पिंड के सारे पानी घेर चुके हैं, पिंड वालों बहुत खतरा है। प्रबंध करे सरकार आ गए, इन्होंने बाहर कढ़े, इन्हों पुछे आ गए की गलबात। सवेर की कोई इतने बंदा नहीं पहुंचा, सरकार का कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई नहीं पहुंचा सवेर का इतने। हाँ पानी सतलुज ब्यास का मिक्स हो गया, इकट्ठा हो जाता। कि एरिया जोड़ा पानी घिरया हुआ? पानी का बहुत पैन लगता, 20-25 पिंड हो सारे पानी घिर चुके हैं। इस टाइम जो कि एरिया जोड़ा पानी घर चुका, किन्ने के परिवार जो पानी फसे हुए हैं? 25 पिंड ने जोड़े इस पानी की चुनेट हेठ आ रहे हैं। जिहड़ा ये पानी है ये सड़क के उत्ते जिहड़ा 6-6 फुट पानी हो चुका है। ये प्रशासन वालों सानू कोई जानकारी नहीं दी गई भी हड़ दा जिहड़ा इत्थे पानी आ रहा है, जां कोई सूचना दी गई है, जां गुरुद्वारा साहिब दे विच आवाज दवाई गई है। तो किन्ना का नुकसान, अगर फसल की गल करिए तो किन्नी क फसल जिहड़ी है पानी की मार हेठ आ चुकी है? एकड़ा मुताबिक ही है फसल जिहड़ी, हजारां एकड़ ही है जिहड़ी फसल जिहड़ी है खराब हो चुकी है। डंगरां दा चारा खराब हो चुका है, तूड़ी खराब हो चुकी है, डंगर घरां दे विच ने, बच्चे घरां दे विच ने। किन्ने दिन हो गया पानी आए हुए? अज सुबह पानी आया, पानी नूं दरिया दे विच चलदे नूं 4 दिन हो गए। मंग इह करदे आ वी प्रशासन इत्थे आवे, जिहड़े लोक फसे ने उहनां नूं बाहर कढ़िया जावे, जो भी है डंगरां दा कोई चारा है जां कोई कुछ भी है सानूं दस्सिया जावे वी शाम नूं पानी किन्ना वध सकदा जां नहीं वध सकदा। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो नैक्सट पंजाब ते मैं हां परमजीत खाणा। सतलुज दरिया का पानी का पद्धर लगातार वाधा जा रहा है। अगर अज मौजूदा हालातों की गल करिए अज फिरोजपुर के पिंड पानी जोड़ा सतलुज का वह वड़ चुकया। तस्वीर भी थोड़े नाल सांझियां करांगे। इस वेले असी मौजूद हाँ फिरोजपुर के पिंड निहाला लवेरा विखे। तस्वीर बिल्कुल सामने तुम देख सकते हो कि हालात जोड़े है वह पिंड बने हुए आ। तो सतलुज का पानी जोड़ा वह लोगों के घर वड़ चुकया। कई हवेलियां जड़ियां जो खेतों में पाइया हुई सन, कई हवेलियां जड़ियां वो पानी घिर चुकिया। तो कई परिवार जड़े हाले भी दसया जा रहा कि पानी जड़े घिरे हुए आ, जिन्हों क्ढन बोटा की जड़ी बोटा लिया जा रही, तो उन्होंने क्ढन की जी कोशिश है वो की जा रही है। बिल्कुल सामने तस्वीर तुम देख सकते हो कि तस्वीर फिरोजपुर के पिंड निहाला लवेरा दी है, जिथे सतलुज दरिया जड़ा ओ सतलुज दरिया का पानी जड़ा वो नको नक भरया नज़र आ रहा। कई एकड़ फसल जड़ी है वह पानी विच डुब चुकी है। उत्थे अगर गल करते हैं जिला प्रशासन की, तो पिंड वासियों का कहना कि प्रशासन वालों हजे किसी भी तरह के पुख्ता प्रबंध जड़े आ वो नहीं किए गए। बेशक दावे किए जा रहे हैं कि लोगों नूं इस समस्या तो बाहर कढ़ाया जाएगा, पुख्ता प्रबंध जड़े आ वो किए जाएंगे। तो साढ़े नाल इत्थे पिंड वास भी मौजूद है, उन्होंने भी गलबात करने की कोशिश करांगे कि एक पासे प्रशासन दावे कर रहा है कि लोगों को किसी भी तरह की समस्या जी नहीं आउण दिती जाएगी, तो दूसरे पासे लोग जड़े आ वो कहिंदे प्रशासन वालों किसी भी तरह का पुख्ता प्रबंध जिहड़ा वो नहीं किया गया। गलबात करने की कोशिश करते हैं। कि नाम की थोड़े? कश्मीर सिंह जी। किन्ना क पानी जिहड़ा इस टाइम चढ़ा है? पानी बहुत ज़्यादा चढ़ा है, सवेर का बहुत ज़्यादा पानी चढ़ चुका है। मान लो जो पिंड ने सारे पानी घेर चुके हैं, पिंड वालों बहुत खतरा है, इतने प्रबंध करे सरकार आ गए, इन्होंने बाहर कढ़े, इन्होंने पुछे आ गए की गलबात। सवेर की कोई इतने बंदा नहीं पहुंचा, सरकार का कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई नहीं पहुंचा सवेर का इतने। इन्होंने सारा बहुत ज्यादा खतरा है, वेलिया तो उन्होंने कढ़िया जाए, बेड़े बूढ़े पाए जाए, बाहर कढ़िया जाए, अंदरों लिया गया, बाहर लिया जाए। पानी सतलुज का? हाँ जी पानी सतलुज का जी। हाँ पानी सतलुज ब्यास का मिक्स हो गया, इतना इकट्ठा हो जाता। कि एरिया जोड़ा पानी घिरया हुआ? पानी का बहुत पैन लगता, 20-25 पिंड हो सारे पानी घिर चुके हैं। इस टाइम जे पिंड घिरते ही जाते हैं, जे ना ध्यान दिता तो घर पानी वड़ सकता। तो बिल्कुल अगर जल्द कोई प्रबंध ना हो पानी जड़ा वो घर अंदर भी वड़ सकता। साढ़े ना होर भी लोग मौजूद है। कि नाम वीर थोड़ा? दर्शन सिंह मेरा नाम है। कि एरिया जोड़ा पानी घिर चुका, किन्ने क परिवार जोड़े पानी फसे हुए है? इस तो 20-25 लोग 25 पिंड ने जोड़े इस पानी की चुड़ेट हेठ आ रहे हैं। जिहड़ा यह पानी है ये सड़क के उत्ते जिहड़ा 6-6 फुट पानी हो चुका है जी। ये प्रशासन वालों सानू कोई जानकारी नहीं दी गई भी हड़ दा जिहड़ा इत्थे पानी आ रहा है, जां कोई सूचना दी गई है, जां गुरुद्वारा साहिब दे विच आवाज दवाई गई है। इत्थों दा कोई भी प्रशासन नहीं पहुंचा, ना कोई इस चीज़ बारे पता सी सानू कि पानी आ जाएगा ना। तां किन्ना का नुकसान, अगर फसल की गल करिए तां किन्नी क फसल जिहड़ी है पानी की मार हेठ आ चुकी है?
एकड़ा मुताबिक ही है फसल जी हजार एकड़ी है जी फसल जी खराब हो चुकी है, डंगर का चारा खराब हो चुका है, तूड़ी खराब हो चुकी है, डंगर घर ने बच्चे घर ने जोड़े को नीविया थावान से बैठे ने वह भी कुछ जो पहलों कोई निकल गया नहीं तो आपके घर ही बैठे ने थोड़े जगह दुची बढ़ा के किन्ने दिन हो गया पानी आए हुए अज सुबह पानी आया है पानी दरिया के चलते चार दिन हो गए ने प्रशासन वालों कोई जानकारी नहीं है असी मंग यही करते हैं भी प्रशासन इतने आवे जोड़े लोग फसे ने उन्होंने बहर क्या जाए जो भी है डंगर का कोई चारा है जो कुछ भी है सानू दसिया जाए भी शाम को पानी कि बच सकता या नहीं बच सकता इस बारे जानकारी कोई भी नहीं है। तो बिल्कुल तस्वीर तुम देख सकते हो कि यह तस्वीर फिरोजपुर के पिंड निहाला दियां जिथे सतलुज का पानी जड़ा वो चढ़ चुकया पिंड बनिया हुई ढाणिया जड़िया वो पानी की लपेट में आ चुकी कई परिवार जोड़े दसिया जा रहे कि इस पानी घिरे हुए आ सो मंग की जा रही है लोगों वालों कि प्रशासन जोड़े पुख्ता प्रबंध आ जोड़े वो जल्द तो जल्द करने चाहिए तो जो लोग पानी फसे हुए उन्होंने बाहर क्ढना चाहिए। फिरोजपुर तो कैमरामैन राजवीर के नाल परमजीत सखाणा नैक्सट पंजाब। सत श्री अकाल जी तुसीं देख रहे हो नैक्सट पंजाब तो मैं हाँ परमजीत सखाणा। सतलुज दरिया का पानी का पद्धर लगातार वधदा जा रहा है अगर अज मौजूदा हालातों की गल करिए अज फिरोजपुर के पिंड पानी जोड़ा सतलुज का वो वढ़ चुकया तस्वीर भी थोड़े नाल सांझियां करांगे। इस वेले असी मौजूद हाँ फिरोजपुर के पिंड निहाला लवेरा विखे तस्वीर बिल्कुल सामने तुसी देख सकते हो कि हालात जोड़े है वो पिंड बने हुए आता सतलुज का पानी जोड़ा वो लोगों के घर वढ़ चुकया कई हवेलियां जड़िया जो खेतों में पाइया हुई सन कई हवेलियां जड़िया वो पानी घिर चुकी तो कई परिवार जोड़े हाले भी दसया जा रहा कि पानी जोड़े घिरे हुए आ जिन्हों क्ढन बोटा की जड़ी बोटा लिया जा रही तो उन्होंने क्ढन की जी कोशिश है वो की जा रही है। बिल्कुल सामने तस्वीर तुम देख सकते हो कि तस्वीर फिरोजपुर के पिंड निहाला लवेरा दी है जिथे सतलुज दरिया जड़ा वो सतलुज दरिया का पानी जड़ा वो नको नक भरया नज़र आ रहा कई एकड़ फसल जी पानी डुब चुकी है। उत्थे अगर गल करते हैं जिला प्रशासन की तो पिंड वासियों का कहना कि प्रशासन वालों हजे किसी भी तरह के पुख्ता प्रबंध जोड़े आ वो नहीं किए गए बेशक दावे किए जा रहे हैं कि लोगों इस समस्या तो बाहर कढ़ाया जाएगा पुख्ता प्रबंध जोड़े आते जाएंगे तो साढ़े इतने पिंड वास भी मौजूद है उन्होंने भी गलबात करने की कोशिश करेंगे कि एक पास प्रशासन दावे कर रहा है कि लोगों किसी भी तरह की समस्या जी नहीं आन दी जाएगी तो दूसरे पास लोग जोड़े आ वो कहते प्रशासन वालों किसी भी तरह का पुख्ता प्रबंध जोड़ा वो नहीं किया गया गलबात करने की कोशिश करते हैं। कि नाम की थोड़े कश्मीर सिंह जी कि पानी जोड़ा इस टाइम चढ़ा है पानी बहुत ज़्यादा चढ़ा सवेर का बहुत ज़्यादा पानी चढ़ चुका मान लो जो पिंड ने सारे पानी घेर चुके हैं पिंड वालों बहुत खतरा इतने कोई प्रबंध करे सरकार आ गए इन्हों बहर क्ढे इन्हों पुछे आ गए कि गलबात सवेर की कोई इतने बंदा नहीं पहुंचा सरकार का कोई अहम नहीं कोई नहीं पहुंचा सवेर का इतने इन्हों सारा बहुत ज़्यादा खतरा है वेलिया तो उन्होंने कढ़िया जाए बेड़े बुड़े पाए जाए बहुत कढ़िया जाए अंदरों लिया गया बहर लिया जाए पानी सतलुज का हाँ जी पानी सतलुज का जी हाँ पानी सतलुज ब्यास का मै मिक्स होकर इतना इकट्ठा होता कि एरिया जो पानी घिरया हुआ पानी का बहुत पैन लगता भी 25 पिंड होने सारे पानी घिर चुके हैं इस टाइम जे पिंड घिरते ही जाते हैं जे ना ध्यान दिता तो घर पानी वड़ सकता तो बिल्कुल अगर जल्द कोई प्रबंध ना हो पानी जोड़ा वो घर अंदर भी वड़ सकता साढ़े ना होर भी लोग मौजूद है कि नाम भी थोड़ा दर्शन सिंह मेरा नाम है कितना के एरिया जोड़ा पानी घिर चुका किन्ने के परिवार जोड़े पानी फसे हुए हैं इस तो 20 तो 25 लोग 25 पिंड ने जोड़े इस पानी की चुड़ेट हेठ आ रहे हैं जोड़ा ये पानी है ये सड़क के उत्ते जोड़ा 6-6 फुट पानी हो चुका है ये प्रशासन वालों सानू कोई जानकारी नहीं दी गई भी हड़ दा जिहड़ा इत्थे पानी आ रहा है जां कोई सूचना दी गई है जां गुरुद्वारा साहब दे विच आवाज दवाई गई है इत्थों दा कोई भी प्रशासन नहीं पहुंचा ना कोई इस चीज़ बारे पता सी सानू भी पानी आ जाएगा ना तो किन्ना का नुकसान अगर फसल की गल करिए तो किन्नी क फसल जी पानी की मार हेठ आ चुकी है एकड़ा मुताबिक ही है फसल जी हजार एकड़ी है जी फसल जी खराब हो चुकी है डंगर का चारा खराब हो चुका है तूड़ी खराब हो चुकी है डंगर घर ने बच्चे घर ने जोड़े को नीविया थावान से बैठे ने वो भी कुछ जो पहलों कोई निकल गया नहीं तो आपके घर ही बैठे ने थोड़े जगह दुची बढ़ा के किन्ने दिन हो गया पानी आए हुए अज सुबह पानी आया है पानी दरिया के चलते चार दिन हो गए ने प्रशासन वालों कोई जानकारी नहीं है मंग की करते हो
ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲਾ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਢਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਖਾਣਾ, ਨੈਕਸਟ ਪੰਜਾਬ।